तूबा एहसन की तहरीर मलाल। मेरा घर, घर का तसव्वुर करें तो क्या ख्याल दिल में आता है। घर कैसा होना चाहिए? साफ़ सुथरा, सजा हुआ, खूबसूरत। लेकिन घर के लोगों के दिल जुड़े हुए ना हो तो घर मकान बन जाता है, जिसमें अफराद एक दूसरे से अजनबी होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात और एहसास से बेनियाज। मेरा घर मकान कब बना? जब मैंने घर के बाहर के अफराद को घर में दखल अंदाजी की इजाज़त दी। मैं अपने जहन से सोचने के बजाय दूसरों के जहन से सोचने लगी। कल अजीब वाक़या हुआ। कल हमारे यहाँ दो ख़वातीन आईं। उन्होंने जब अम्मी जान से ये सवाल किया कि आपकी बेटी की तलाक क्यों हुई, तो मेरी तो अजीब हालत हो गई। हाथ लरजने लगे, टांगे कांपने लगीं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट घसीट कर बाहर लाई। मुझको अम्मी जान की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं उन्होंने इन ख्वातीन को किस तरह का जवाब दिया होगा। पता नहीं ये कौन औरतें हैं और उनको क्या तकलीफ़ है जो कि एक बंद बाप को खोल कर हमें तकलीफ़ दे रही हैं। मैंने आर्जिदगी से सोचा। उस दिन अम्मी जान के घर में अंधेरा छाया रहा, लाइट भी चली गई और खाना भी ना बन सका। मैं इस घर को अब अपना घर नहीं कहती, हालांकि अब तो मैं 2 साल से मुस्तकिल इस घर में ख़याम पज़ीर हूँ। लेकिन ये घर मेरा तो नहीं, ये तो अम्मी जान और सादिया का घर है। मेरा कहाँ है? सब चुपचाप अपने बिस्तर पर दराज, अपने अपने ज़ख्म कुरेदते रहे। खामोशी तारी रही। सादिया भी अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई थी, लिहाजा और भी सन्नाटा हो गया था। कितना वक्त गुजर गया, मैं उंगलियों में हिसाब लगा रही थी। 2 साल 3 माह और 15 दिन हो गए हैं। मेरी और खालिद की अलहदगी में गलती किसकी थी? कौन कसूरवार था ये मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा? क्यों ना मैं आपको शुरू से सारी दास्तान सुनाऊं। मुझे अम्मी जान की शाम की गुफ्तगू याद आने लगी। उसमें क्यों का क्या सवाल उन्होंने किस कदर तल्ख और कड़वे लहजे में कहा। तलाक होनी थी, हो गई। इसमें क्यों का क्या सवाल? दरअसल अजनबी खातून घबरा सी गईं। हमारी बेटी का रिश्ता आया हुआ है खालिद से। हम तहकीक कर रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला है। हम जानना चाह रहे थे कि आपकी बेटी के घर टूटने का क्या सबब था। हम अपनी बेटी के यहाँ शादी करें या ना करें? खातून बड़ी लिजाजत से गुफ्तगू कर रही थी। यूँ मुझे पता चला कि खालिद दूसरी शादी कर रहा है। हालांकि मुझे खालिद से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं, लेकिन फिर भी उसकी दूसरी शादी का सुनकर दिल अजीब सी तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला हो जाता है। मैं अपने आप को तंबीह करती हूँ कि मुझे उससे क्या, लेकिन शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। आलिया आज अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई थी। हर माँ की तरह रक्षिंदा बेगम भी सब अच्छा है जैसा जुमला सुनने की मुतमन्नी थी। हाल अहवाल पूछना ही था कि आलिया फट पड़ी। ना जाने किन अजीबो गरीब ख़ानदान में मुझे फंसा दिया है, इससे तो अच्छा था कि मेरी शादी ही ना होती। रक्षिंदा बेगम तो हवास बाख्ता हो गई। शादी के तमाम मामलात तो ठीक तरह से अंजाम पाए थे, कोई भी मसला या इख्तिलाफ़ राय नहीं हुआ था। फिर अब क्या हो गया? महीने में 1 बार और कभी 2 बार आलिया की आमद होती और हमेशा ही वो अपने मियाँ और ससुर से शाकी दिखाई देती। सास तो उसकी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। उसका शौहर खालिद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मसला दरअसल खालिद की 3 फुपियाँ थीं, जो कि खालिद और उसकी बीवी के हर मामले में दखल अंदाजी करना अपना फ़र्ज़ समझती थीं। एक फूफी तो खालिद के घर के बराबर में ही रिहाइश पजीर थीं, बाकिया 2-1 गलियां छोड़कर रहती थीं। लेकिन रोज़ाना वो खालिद के घर में शाम में आती।
आलिया के ससुर और शौहर शाम तक काम से वापस आ जाते और शाम की चाय में महफिल जमती और खूब हल्ला गुल्ला होता। कभी छोले बनाए जाते, कभी पकौड़े, कभी पुपी जान भी खुद सैंडविच वगैरह बना कर ले आती, कभी बाजार से बेकरी का सामान आ जाता। चूँकि उनके ख्याल में आलिया भी ना तजुर्बेकार और नौ आमोज थी, इसीलिए हर बात समझाना और हर मामले में अपनी राय देना ज़रूरी समझा जाता। किस वक्त कौन सा जोड़ा पहना जाए, आज क्या पकेगा और किस तरह पकाया जाए, दस्तरखान पर अशिया को किस तरह पेश किया जाए, घर की सफाई सुथराई, मेहमानों की खातिर मदारत, मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात, गर्ज हर मामले में उनकी बेजा मुदाखलत ने आलिया को बुरी तरह चिढ़ा कर रख दिया था। ये बात वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जिसकी एक सांस नहीं होती उसकी 100 सांसें होती हैं। सोने पर सुहागा ये कि खालिद और अब्बा भी उनकी हर बात को दुरुस्त समझते और आंखें बंद करके हर बात पर अमल करते। आलिया से भी यही तवक्को रखी जाती। ऐसा लगता है कि जैसे हम कठपुतलियां हैं, आलिया चिढ़ कर कहती, जिनकी डोरें आपकी फूफियों के हाथ में हैं, वो जिस तरफ इशारा करती हैं हम घूम जाते हैं। खालिद को हैरानी होती, वो समझ नहीं पाता कि आलिया किस बात पर इतनी खफा हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आलिया के लिए तो दिन ब दिन समझौता करना मुश्किल हो रहा था। मसला तो ये था कि वो अब तक खालिद को अपना हमनमा ही नहीं बना पाई थी। दरअसल उसकी वालदा के इंतकाल के बाद उसकी पुपियों ने हर तरह से खालिद और उसके अब्बा का ख्याल रखा। अब आलिया शादी के बाद उनको इस तरह से सारे मामलात में दखील देखती तो उसको कितना भी बुरा लगे, लेकिन खालिद के लिए यह मामूल की बात थी। आज तो हद ही हो गई। आज आलिया ने दही बड़े बनाए और छोले अब्बा ने उबाले। छोले थोड़े सख्त रह गए। फूफी जान इसको समझाने लगी कि छोले किस तरह उबाले जाते हैं। आलिया को अचानक ही इस जोर का गुस्सा आया कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आपको इससे क्या, उसने बदतमीजी से कहा, क्या ये आपका घर है? आप अपने घर को क्यों नहीं संभालती? अगर आपको हमारे घर की चीज़ें पसंद नहीं तो बराए मेहरबानी अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। फूफी जान अपना मुंह लेकर रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको आलिया से इस बेमुरवती की उम्मीद ना थी। अपनी दानिश में वो उसकी भलाई के लिए कह रही थी। आलिया को अंदाज़ा ना था कि खालिद ये सब कुछ सुन चुका है। ये बातचीत बावर्ची खाने में हो रही थी और खालिद आलिया से कुछ लेने के लिए आया था। उसने सारी बात सुनी और वो शोलों में घिर गया। फूफी जान आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर से जाने के लिए पड़ तोल रही थी कि उसने आग बगुला होकर कहा, ठहरिए फूफी जान, आप नहीं जाएंगी। अब आलिया को यहाँ से निकलना होगा। हाँ ज़रूर, आलिया गुस्से से चीखी, मुझे भी तुम्हारे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं जहाँ हर लम्हे मेरी तौहीन की जाती है और मुझे जलील किया जाता है। बात बढ़ती गई। चीखो पुकार सुनकर अब्बा भी चले आए। वो हैरान हो रहे थे कि न जाने पल भर में क्या माजरा हो गया। बाकी दोनों फूफियाँ जो कि अब्बा के साथ अंदर बैठी थी वो भी हक्का बक्का थीं। बात हद से बढ़ गई। आलिया के तुर्की बतुर्की जवाब देने पर खालिद इस हद तक चिराग पा हो गया कि इसने आलिया को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। फूफी जान अब्बा रोकते रह गए, लेकिन ना तो आलिया की बात समझ में आ रही थी और ना ही खालिद की। फूफी जान ने अपने आप को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया कि उनकी वजह से खालिद और उसकी बीवी का झगड़ा हुआ। अब्बा खालिद को पकड़कर अंदर ले गए, जो कि गुस्से से बिल्कुल बावला हो रहा था, और फूफी जान जल्दी से दरवाज़ा खोलकर आलिया को आमादा करने लगी कि वो अंदर आ जाए। लेकिन आलिया उनका हाथ झटक कर वहाँ से रवाना हो गई और फूफी जान देखती की देखती रह गई। जाने से पहले उसने फूफी जान की तरफ रुक करके कहा, आप यही चाहती थी ना कि मेरा घर बर्बाद हो जाए? चलिए खुश हो जाइए, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। फूफी जान दहल कर रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालिया उनसे इस हद तक बदगुमान और खफा हो जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आलिया उनसे इस हद तक बदगुमान और खफा होगी।
वो रिक्शा पकड़कर सीधा अपनी अम्मी के यहाँ जा पहुंची। बिल्कुल ठीक किया तुमने। सारी बात सुनकर अम्मी जान ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, बर्दाश्त की भी हद होती है, वो समझती क्या है अपने आप को, हमारी बेटी कोई लावारिस और अकेली है। मैं तो यही कहती हूँ कि ये ज़माना सब्र का ज़माना ही नहीं, बल्कि हर एक को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। जुल्म को बर्दाश्त करने वाला खुद जालिम है। अब देखना, जब तक खालिद मियाँ खुद तुमसे माफ़ी ना मांगेंगे, मैं नहीं भेजूंगी। और वो उनकी फूफी जान, अम्मी जान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उनको तो मैं कान पकड़ के और नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। अम्मी जान के नकुवत से कहने पर तो आलिया और खिल उठी, शुक्रिया अम्मी जान। वो अम्मी जान के गले लग गई। अम्मी ने भी उसको अपने आप से चिमटा लिया। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, आंखों के गिर्द हल्के हो रहे हैं, चेहरे का रंग तो बिल्कुल झुलस ही गया है। तुम आराम से रहो, मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूँगी। 3 दिन ही गुजरे थे कि खालिद का फ़ोन आया तो अम्मी जान ने उसको खूब खरी खरी सुनाई। तो तुम जाकर अपनी फूफी की गोद में बैठो, तुम्हें आलिया की क्या ज़रूरत। 1 हफ्ता ही गुजरा था कि आलिया की तबीयत ख़राब हो गई, मतली और उल्टियाँ। डॉक्टर के यहाँ पहुँचकर अंदाज़ा हुआ कि नए मेहमान की आमद आमद है। शादी के 1 साल बाद खुशखबरी सुनने को मिली थी। आलिया बेहद खुश थी। अम्मी जान ने उसके ससुराल फ़ोन करके अब्बा से बात की और ये खबर सुनाने के साथ साथ उनको मज़ीद सुनाई। नतीजतन अब्बा फूफी जान के हमरा खुद आलिया को लेने आए। पुप्पी जान ने भी उससे माफ़ी मांगी तो अम्मी जान उसको भेजने पर राज़ी हो गईं। ससुराल पहुंची तो खालिद का मूड बिगड़ा हुआ था। आलिया को अफसोस हुआ कि वो खामखा आई। तुम्हारी अम्मी अपने आप को समझती क्या है, वो खूब गर्जा बरसा। खबरदार, आलिया चीखी, मेरी अम्मी जान को कुछ मत कहना। हाँ, वो जाहिल औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर बोल रहा था, तुम्हारी अम्मी जान में तो हीरे जड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के बुजुर्ग नाकारा और होशो हवास से आरी और बेवकूफ़ हैं। जंग जोरों शोर से जारी थी। आलिया का सांस फूल रहा था कि अब्बा चले आए। खालिद, मैंने तुम्हें समझाया था ना बेटा, वो बड़ी लिजाजत से कह रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अब्बा। वो अब्बा को देखकर धीमा हो गया। देखो, हमारी बहू का ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आलिया की तबीयत मुकद्दर हो गई। वो मुंह फेर कर आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी कि अगर इसको अपने होने वाले बच्चे का ख्याल ना होता तो इन लोगों से कोई ताल्लुक और वास्ता ना रखती। अम्मी जान भी इसी वजह से नरम पड़ गई थी। नरम गरम दिन गुजरने लगे। आलिया भी बेखौफ हो गई थी। अभी बच्चा दुनिया में आया ही ना था कि उसको लगा कि उसके पांव मजबूत हो गए हैं। पुपियों की आमद भी कुछ कम हो गई थी। वैसे भी अब वो आलिया से गुफ्तगू करते हुए एहतियात करती। उनको ये अंदेशा रहता कि उसको कुछ बुरा ना लग जाए। आलिया को बड़ी खुशी होती। शाबाश आलिया, वो अपने आप को सराहती, पहले ही हिम्मत कर ली होती। खैर, अब भी इतना वक्त नहीं गुजरा। 6 माह हो चुके थे। आलिया की तबीयत गिरी गिरी रहती। एक दिन फूफी जान और अब्बा बातें कर रहे थे। हमारे हाथ तो हमेशा पहला बेटा ही होता है, अब्बा खुश दिली से हंसकर बोले। हाँ, फूफी जान ने हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हम सब बहन भाइयों का पहला बेटा ही हुआ है। अब देखो खालिद के यहाँ क्या होता है। आलिया का मूड बिगड़ने लगा। खैर, खालिद के यहाँ जो भी होगा जान से प्यारा ही होगा, फूफी जान जल्दी से बोली। बिल्कुल बिल्कुल, अब्बा का मूड बड़ा ही खुशगवार था। बेटा हो या बेटी, आलिया खुश हो गई। इस गुफ्तगु के दौरान खालिद चुपचाप बैठा रहा, फिर जल्दी से अंदर चला गया। आलिया कमरे में आई तो वो ऑफिस का काम कर रहा था। आपका क्या दिल चाहता है, आलिया खालिद से पूछने लगी कि हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी। बेटा, खालिद ने फाइलों में सर दिए खिलाफे तवक्को जवाब दिया। मुझे बेटी नहीं चाहिए, खालिद ने संजीदगी से कहा। बेटी होगी तो तुम्हारे ही जैसी होगी, ज़िद्दी, हठधर्म और नादान। आलिया तो गम गुस्से से पागल हो गई। आप समझते क्या हैं अपने आप को, वो ज़ोर से चिल्लाई। आहिस्ता बोलो, तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं, खालिद ने सर्द मोहरी से कहा। अच्छा, अगर हमारे यहाँ बेटी होगी तो तुम क्या करोगे, वो उसके सामने तन कर खड़ी हो गई। मैं इसको इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला। आलिया सुन होकर रह गई, एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना सकी। उसके हाथ पाँव बेजान होने लगे और ज़बान हरकत करने से खासिर। खालिद
वालिद उसकी खामोशी से बेपरवाह होकर दोबारा सर झुकाए अपने काम में मसरूफ था। उसको अंदाज़ा भी ना हुआ और आलिया के ऊपर ख़यामत सी गुजर गई। उसको खालिद से खौफ आने लगा। मौका मिलते ही अम्मी जान को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने उसे जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाने का मशवरा दिया, साथ साथ ताकीद कर दी कि सारा जेवर और ज़रूरी सामान लेकर आए। आलिया बेवकूफ़ थी, तीन कपड़ों में वहाँ से निकल जाती। अम्मी जान तजुर्बकारी पूरी मनसूबेबंदी के साथ वो चुपचाप खालिद की ज़िंदगी से निकल गई वापस ना आने के लिए। आलिया के यहाँ बेटी पैदा हुई। बच्ची को इब्तदाही से ही सांस का प्रॉब्लम था। एक हफ्ते में ही वो जहाँ से आई थी वापस चली गई। खालिद और अब्बा ने बच्ची को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी जान ने सारी कोशिशें नाकाम बना दी। हम आप लोगों से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते, उन्होंने साफ साफ कहा। आपको तो बेटी चाहिए ही नहीं, अब क्या दिलचस्पी पैदा हो गई। 7 दिन में ही बच्ची की सांसें बंद हो गईं और दूसरे दिन ही तलाकनामा आलिया के हाथ में आ गया। अम्मी जान ने सुख का सांस लिया, लो भई सर से बला टली। अम्मी जान खुश थीं, आलिया ने भी खुश होने की कोशिश की, लेकिन दिल एक बेनाम से दुख और अजियत में मुब्तला था। आज इस बात को 2 साल 3 महीने और 15 दिन हो गए, आलिया ने हिसाब लगाया। अम्मी जान ने क्या कहा था, आलिया जहन में वही गुफ्तगु दोहरा रही थी जो कि शाम को हुई थी। उसकी 3 फुपियाँ फसाद की जड़ हैं, अम्मी जान उनको आगाह कर रही थी जो कि खालिद के बारे में सवाल कर रही थी। जब तक वो हैं खालिद का घर नहीं बस सकता, अम्मी जान इंकशाफ कर रही थी। 3 फुपियाँ, खातून सोच में डूबकर बोली थी। एक फुपी का तो इंतकाल हो गया और एक सऊदी अरब चली गई और एक लाहौर शिफ्ट हो गई। अच्छा, अम्मी जान के मुँह से हैरत से निकला। खुद आलिया भी गुमसुम हो गई। 2 साल 3 महीने और 15 दिन, आलिया सोचने लगी, काश वो सब्र से थोड़ा इंतज़ार कर लेती। मकान को घर बनाने के लिए सब्र और इंतज़ार कितना ज़रूरी है, आलिया से ज़्यादा ये कौन समझेगा।